नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुनिया की खबर में। आज हम देव उठान एकादशी की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, अतः आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराकर बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है, तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मार्च वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा, उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी है अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।